ब्रह्म कुमारी जय महाविद्यालय द्वारा निकाली गई ओम शांति ओम की रैली। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्रह्म कुमारी जय विश्वविद्यालय द्वारा रैली यात्रा निकाली गई। यह रैली यात्रा बरसाना रोड स्थित श्यामलाल बर्फी देवी स्कूल बरसाना रोड से होती हुई नगर पंचायत गोवर्धन चकलेश्वर चौसौक अड्डा दानघाटी मंदिर बड़ा बाजार हाथी दरवाजा होती हुई प्रोग्राम स्थल श्यामलाल बर्फी देवी स्कूल पर समाप्त हुई, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के नारे लगाए जा रहे थे। जब मीडिया की टीम ने रैली यात्रा के आयोजक से बात की तो उन्होंने बताया, भगवान को पृथ्वी पर अवतार लिए 64 साल हो चुके हैं, अभी वे हमारे साथ मात्र 26 साल और रहेंगे, इसके बाद वे अपने लोक चले जाएंगे। इस संसार में मात्र एक ही भगवान है। उन्होंने शिव जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि शिव ही सत्य है और इसी की पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए, हमको अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। आज जैसा कि ये आपकी रैली निकली है, किस उपलक्ष्य को लेकर ये रैली निकाली गई है, किस उपलक्ष्य को लेकर आपने ये रैली निकाली है? ये रैली ओम शांति परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस महाशिवरात्रि पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली गई है। परमपिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं के परमपिता, परम शिक्षक व परम सद्गुरु हैं। उनका कहना है कि ये कलयुग की सृष्टि का अंतिम चरण चल रहा है और इस अंतिम चरण में महाविनाश की स्थिति हमारे सबके सामने दिख रही है। ये दुनिया, ये ब्रजभूमि जो आज गोकुल गांव कहलाता है, ये पूरे भारत को ही फिर से राम राज्य कहें, गोकुल गांव कहें, फिर से बनाना है। उसके लिए परमपिता परमात्मा का कहना है कि हम सभी उस परमात्मा पिता को याद करें और अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करें तो हम सुख और शांति दुनिया में ला सकते हैं और इस भारत भूमि को फिर से राम राज्य बना सकते हैं। जैसे मोदी जी का भी कहना है कि हमें फिर से ये उत्सव मना रहे हैं, जैसे अमृत महोत्सव, तो अमृत महोत्सव के तहत इस दुनिया को फिर से हमें स्वर्गिक दुनिया, वैकुंठमय दुनिया बनानी है, तो उसके लिए हमें पूरी तरह से अपने अंदर सादगी लानी होगी और सच्चाई और सफाई से हम जिएंगे तो हम फिर से इस भारत भूमि को विश्व गुरु बना सकते हैं और अपने भारत को स्वर्ग बना सकते हैं। क्या नाम है आपका और किस उद्देश्य से आज ये रैली निकाली जा रही है? मेरा नाम ब्रह्मा कुमार तिलकराज बजाज है जी। शिव परमात्मा को याद करने के लिए शिव जयंती निकाली जा रही है। भगवान धरती पर आ चुके हैं, ये सारी जनता को, सारे विश्व को बताना है। अभी दुनिया इस भूल में है कि अभी भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या है, तो सारी बातें हमारे यहाँ पर एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के नाम से विश्वविख्यात है। वहाँ आइए, असलियत में पहचानिए कि भगवान किसको कहते हैं। हमने अब तक सभी देवी देवताओं को भी भगवान माना है, लेकिन भगवान एक है, इसलिए सब जगह लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गॉड इज वन। फिर हम सबको कैसे भगवान मान सकते हैं? इसलिए सत्य ज्ञान पाना है, सत्यता जाननी है, तो भगवान धरती पे आया हुआ है। उसको धरती पर आए हुए 86 साल हो गए हैं, बस मात्र 14 साल तक और भगवान हमको पढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन कैसे पता लगेगा, आपको कैसे जानोगे, इसके लिए आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आना होगा, सत्यता पहचाननी होगी, सत्यता का ज्ञान होगा।